With the name of the Almighty, in today's lecture, we are going to continue our discussion regarding the introduction to corporate governance. In the previous lecture, we ended up our topic on the discussion of characteristics of a company. Now we are going to continue our discussion. Now the topic that we have to discuss today, the first topic that we are going to discuss today is the types of companies. Okay? Types of companies ki hum baat karenge. में यही टाइप्स हैं. देर आर न्यूमरस टाइप्स अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो यहाँ नजर नहीं आ रही आपको, बट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टाइप्स ऑफ द कंपनीज विल बी डिफरेंट. फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर टाइप्स दैट आर बेसिकली कंसर्न, इन विच वी आर कंसर्न अबाउट द गवर्नेंस. जहाँ पे हम गवर्नेंस से रिलेटेड या गवर्नेंस जो है ना कॉरपोरेशन के इंटरनल मैटर्स या उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स बेस होती हैं उनकी बेसिस पे हमने कुछ चार टाइप्स बनाई हैं. पहली क्या है, लिमिटेड और अनलिमिटेड. लिमिटेड कंपनी वो होती है कि जिसमें हम लायबिलिटी की बेसिस पे कंपनी को डिफाइन कर देते हैं. अब इसमें जो हमारी डिस्कशन है वो कौन सी है, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर आई विल परचेज 10 शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी और वो कंपनी के मैंने शेयर्स के ऊपर 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जब भी कंपनी कोई डिफॉल्ट हो जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी या उस कंपनी को लॉस होगा तो वो मेरे 100 रुपीज से ज़्यादा नफा नुकसान होगा. नहीं, मैं आई एम लाइबल टू पे द लॉस ऑफ द कंपनी टिल द अमाउंट और अनटिल द अमाउंट विच आई इन्वेस्टेड इन द कंपनी. जिस हद तक मैंने उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए उस हद तक मैं लॉस को बियर करूँगा. तो लिमिटेड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ऐसी कंपनी होगी कि जिसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से है. जबकि अनलिमिटेड कंपनीज क्या है, ऐसी कंपनीज होंगी जिनके अंदर जब किसी ओनर को नुकसान होता है तो फिर उसके इन केस ऑफ बैंकरप्सी पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर विल बी यूज टू कवर द लॉस. यानी जो मालिक है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल जो एसेट्स हैं सॉरी, वो भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं ताकि उस कंपनी के लॉस को खत्म किया जा सके. ठीक है, उसके बाद हमारा अगली एग्जांपल है लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी. अभी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी दो और टाइप्स हैं कंपनी की, जिसमें लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है जितने शेयर्स आपने लिमिटेड और अनलिमिटेड हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी है वो इसी से रिलेट करती है. लिमिटेड और अनलिमिटेड में हमने कैपिटल का कॉन्सेप्ट किया कि कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया, आपका नुकसान उस कैपिटल तक है. बिकॉज यू इन्वेस्टेड 100 रुपीज, नुकसान हुआ तो 100 तक का लॉस है. ये लिमिटेड कंपनी है. ऐसा नुकसान कंपनी को 200 का है, आपने 100 इन्वेस्ट किया तो वो 100 तो आपके पैसों से पूरे रिकवर किए जाएंगे और दूसरा जो 100 का नुकसान होगा वो आपके पर्सनल एसेट से कवर किए जाएंगे. वो अनलिमिटेड कंपनी में आ गया था. जबकि अब हम बात करें लिमिटेड बाय शेयर्स में कि वट एवर द नंबर ऑफ शेयर यू इन्वेस्टेड इन अ कंपनी उतने शेयर्स तक आप लॉस बियर करेंगे. ये कौन सी टाइप है कंपनी की, लिमिटेड बाय शेयर्स है. यानी मैंने 100 शेयर्स हैं, अगर मेरी कंपनी डूब जाती है या मुझे नुकसान होता है तो जितने शेयर्स थे वही नुकसान होंगे. मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ एनी अदर शेयर मोर देन 100 शेयर बिकॉज आई हैव ओन्ड 100 शेयर. मैंने 100 शेयर ओन किए हैं, मुझे उससे ज्यादा शेयर का नुकसान हो ही नहीं सकता. और लिमिटेड बाय गारंटी. गारंटी में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम क्या करते हैं कि हम जब EFU इंश्योरेंस या जिस जुबली इंश्योरेंस कराते हैं वो आपको 10 लाख का प्रीमियम देते हैं. कहते हैं कि आप 10-10 हज़ार रुपये जमा कराते रहें अगर इस 10 सालों के लिए. इन 10 साल में यानी पहले ही महीने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नुकसान हुआ तो आप उन्होंने गारंटी का कितने पैसों तक की दी थी, 10 लाख तक की. तो आपके पहली प्रीमियम जो आप 10 हज़ार की पहली जो इंस्टॉलमेंट आप 10 हज़ार की करेंगे, अगर उसी के फौरन बाद ही नुकसान आपको हो जाए तो कंपनी इज लाइबल टू पे यू 10 लाख. आपकी पहली 10,000 की इंस्टॉलमेंट पे ही वो आपको 10 लाख की वो अमाउंट देने को तैयार है क्योंकि वो लिमिटेड बाय गारंटी है. गारंटी मतलब ये होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू हैव अश्योर्ड टू योर इन्वेस्टर. जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी यानी उस कंपनी में जिसने इन्वेस्टमेंट की है उस बंदे को आपने एक अमाउंट गारंटीड अमाउंट बताइए कि भाई अब हम आपको 10 लाख तक लोन या लॉस की सूरत में हम आपको कवर करके देंगे. तो इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं, इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं कि लिमिटेड बाय गारंटी. उसके बाद आते हैं प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड एज द नेम इंडिकेट, प्राइवेट मीन्स दैट विल बी ओन्ड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर. प्राइवेट ओनर होगा ग्रुप ऑफ पीपल. अब इसकी एग्जाम्पल जो मैं पाकिस्तान के अंदर दूं कि ये जो है महमूद
टेक्सटाइल लिमिटेड, वो महमूद टेक्सटाइल लिमिटेड फैमिली ओन कंपनी है, या फातिमा लिमिटेड फैमिली ओन कंपनी है, स्पायर लिमिटेड फैमिली ओन कंपनी है। फैमिली ओन कंपनी ज्यादातर पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड में होते हैं, जिसमें प्राइवेट ओनर्स होते हैं, वो फैमिली के चार पांच लोग होते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के 10-20 हज़ार शेयर हैं, तो 2000-2000 करके 10 लोगों ने शेयर ले लिए हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं डेट की फॉर्म में, दे विल स्टार्ट द कॉर्पोरेशन। ऐसी कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती है? दैट विल बी ओन बाय द गवर्नमेंट, मोस्टली जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही होती है, या जिनकी ऑनरशिप जनरल पब्लिक के पास होती है। नो वन विल बी कंसीडर्ड एज द ओनर, नो प्राइवेट पर्सन और नो फैमिली विल बी कंसीडर्ड एज देयर ओनर, ओनली द पब्लिक, जनरल पब्लिक विल बी कंसीडर्ड एज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। इस तरह की कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कहते हैं। देन वी हैव एन एग्जांपल ऑफ द लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। जहां तक लिस्टेड कंपनी की बात है, तो हमारे पास लिस्टेशन, लिस्टेशन मतलब किसी लिस्ट में आने का प्रोसेस है। वो लिस्टेशन हमारी कहाँ पे होती है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। फाइन, द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज न्यूमरस कंपनीज इन देयर लिस्ट। उन कंपनीज को, वो कंपनीज जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्टेशन हासिल कर लेती है, मतलब दे आर लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी कंपनीज को लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान की एग्जांपल है। अगर हम बात करें चाइना की कंपनीज, तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर जो जो कंपनी, जिन जिन कंपनीज का उस शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में नाम है, वो लिस्टेड कंपनी है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर 1000 कंपनी लिस्टेड हो गई है, तो पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा कंपनीज नहीं है, नहीं है, वो 2000 भी कंपनीज होती है, लेकिन मोर देन मेनी कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव देयर लिस्टेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। बात ये आती है कि सर व्हाई द कंपनी इज इंटरेस्टेड टू हैव द लिस्टेशन इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड व्हाई द कंपनी इज इंटरेस्टेड टू हैव द लिस्टेशन इन स्टॉक एक्सचेंज, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंस दैट यू हैव रिक्वायर्ड। अगर मुझे पैसा चाहिए, मुझे पता है कि जी मैं बैंक के पास जाऊंगा, द बैंक इज इंटरेस्टेड टू गिव मी अ लोन मोर देन 1 मिलियन, मुझे 10 लाख से ऊपर का लोन बैंक नहीं देगा। इन डेट केस मुझे पता है कि भाई पैसे तो मुझे जो लोन की फॉर्म में या डेट की फॉर्म में जो फंड आ सकते हैं वो मैक्सिमम 10 लाख आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का पैसा चाहिए, वो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे शेयर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, मैं शेयर्स को परचेज। आप कहते हैं सर आप स्टॉक एक्सचेंज में ना जाएं, आप शेयर्स की ऑथराइजेशन ले लें और किसी बंदे को प्राइवेटली सेल कर दें, तो शायद मैं 1-2 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, 100 बंदों को शेयर्स कर, वो अपने शेयर सेल कर लूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने, मुझे पैसा बहुत सारा चाहिए, मैंने 10 लाख शेयर्स की ऑथराइजेशन लिया रजिस्ट्रार से और 10 रुपीज का एक शेयर है, तो इट मीन्स नियर अबाउट 10 मिलियन मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, 10 मिलियन मुझे शेयर होल्डर ही मिलेंगे प्राइवेटली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, वो स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे तमाम इन्वेस्टर्स आते हैं, बिकॉज दे हैव द आइडिया कि हमें यहाँ पे हर कंपनी के शेयर मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दी थी कि एंग्रो कंपनी का जो शेयर जो उन्होंने ऑथराइज करवाया होगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठ के, एट दैट टाइम देयर शेयर प्राइस वॉज 10 रुपीज, लेकिन उन्होंने मार्केट में इतनी वर्थ क्रिएट की हुई है कि उनका वो 10 रुपए का शेयर आज 370 का सेल हो रहा है। और एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं PIA की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो वहां पे कितने का शेयर है? 4 रुपए का शेयर है, यानी जिसको शेयर उन्होंने 10 रुपए का अपने रजिस्ट्रार के पास ऑथराइज करवाया था, आज उस शेयर की वर्थ 4 रुपए है। क्या मतलब है कि उन्होंने अपनी वर्थ नहीं क्रिएट कर सके, 6 रुपए का उनका अपनी जो ऑथराइज प्राइस है उससे भी उनकी कम वैल्यू है। मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा ताकि वहां पे लोग मेरे शेयर्स को परचेज करें और मेरे पास पैसा है, इसे कहते हैं लिस्ट। ये जो जो कंपनी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं यानी अवेलेबल हैं, उन्हें लिस्टेड कंपनीज कहेंगे। और मेरे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बिलाल ट्रेवल्स, प्लांट ट्रेवल्स, जिनके शेयर आप स्टॉक एक्सचेंज में ढूंढेंगे वो आपको नहीं मिलते। क्या है वो? अनलिमिटेड अनलिस्टेड कंपनीज हैं। They are not interested to create the funds from the stock exchange. उन्होंने कोई शौक नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज से अपने फंड्स को क्रिएट करें। उन्होंने कहा कि हमें डेट चाहिए, हमारी खुद इन्वेस्टमेंट ओनरशिप इतनी है, हम खुद जेब से पैसा लगा के हम खुद ही कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। यानी उन्होंने वो जो 1 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में बैठे हैं उनसे वो पैसा लेने के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं। वो बिलाल ट्रेवल क्या है? प्राइवेट कंपनी है। वो कहते हैं कि हम खुद ही पैसा लगा लेंगे, हम फैमिली ओनर्स ही, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ हम सारे भाई मिलके या कजन्स मिलके हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। इट मीन्स दे आर विलिंग टू सेल द शेयर्स टू द प्राइवेट पार्टीज। इट मीन्स दे हैव इनफ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डेट अवेलेबल फ्रॉम द बैंक, सो दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव द यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसी कंपनीज को हम अनलिस्टेड कंपनीज कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में
मौजूद ना हो। हायरार्की ऑफ द कंपनी, हायरार्की मींस होती है वो स्पैन, वो जो स्टेयर्स होती हैं जिसके ऊपर आप कंपनी का पूरा एक डेकोरम क्रिएट कर रहे होते हैं। स्टेयर्स में सबसे एंड में कोई बंदा आता है और सबसे ऊपर कोई बंदा आता है। आखिरी सीढ़ी भी होती है और सबसे पहली सीढ़ी भी होती है। जो आखिरी सीढ़ी है यानी सबसे ऊपर जो जिसका काम है, जिसके बाद आगे अगली सीढ़ियां चलनी है, वो शेयर होल्डर है। मैंने आपको पहले भी कल वाले सेशन में भी जो हमारा हुआ था उसमें यही वाली बात की थी, या पिछले लेक्चर में भी हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि शेयर होल्डर्स विल बी कंसीडर्ड एज एन अल्टीमेट पार्टी, अल्टीमेट गेम चेंजर, अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द बिजनेस। इनकी बात, इनका जो मतलब वर्थ है, इनकी पावर, उसे कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। कॉमन शेयर होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो कंपनी के मालकान वही होते हैं, उन्होंने ही कंपनी के मेजर डिसीजन मेकिंग में अपना वोटिंग पावर यूज करना है। ठीक है, दे ओन द कंपनी बट डू नॉट रन इट। रन इट का मतलब क्या है कि उन्हें मैनेजमेंट नहीं चलानी है। मैनेजमेंट किन्होंने चलानी है? उन पिलर्स ने, जो सीईओ है, सीएफओ है, या दूसरे जो पार्टीज हैं, जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, वो कंपनी के पिलर्स हैं। कंपनी को रन इंटरनल अफेयर्स को उन्होंने ही करना है, बट एज लॉन्ग एज द इलेक्शन और द सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पिलर्स इज कंसर्न, शेयर होल्डर इज द अल्टीमेट पार्टी, हैज द अल्टीमेट पावर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते हैं कि ये इन्हें शेयर होल्डर इलेक्ट कर रहे होते हैं। कहाँ पे कर रहे होते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये सर, ये जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, ये जी ये एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, ये सर ये एचआर मैनेजर हैं, ये एचआर डायरेक्टर हैं, ये सीएफओ हैं, ये सर ये रजिस्ट्रार हैं, ये ट्रेजरर हैं, ये पीओडीज हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी इनके अंडर कंपनी के मामलात को चलाना होता है। ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने अंडर जो जितने लोग ले आते हैं ना, मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, उसके अलावा क्या कहते हैं अकाउंट्स मैनेजर, क्या कहते हैं आईटी मैनेजर, ये तमाम लोग क्या होते हैं, ये मैनेजमेंट होती है जिन्होंने एक्चुअली अब काम को परफॉर्म करना होता है। फिर हमारे पास जो हमने पहले ही हमें आइडिया या शायद हमारे आगे टॉपिक्स में भी आएगा कि देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मीडियम लेवल मैनेजमेंट, और फिर क्या होता है लो लेवल मैनेजमेंट, अपॉइंटेड बाय द रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर। जैसे हमने बात की थी कि डायरेक्टर करते क्या, इंटरनल अफेयर्स को चलाते हैं, उन्हें पता है कंपनी को हमने प्रॉफिटेबल बनाना है, इसके लिए हमें लोग चाहिए जो कि कंपनी है बेहतर काम कर सके। वो लोग कौन होंगे? वो लोग वही होंगे जिन्हें वो थ्रू एडवर्टीजमेंट, थ्रू क्या कह सकते हैं हम क्या कहते हैं अखबार में एडवर्टीजमेंट देने के बाद हमने उन्हें सिलेक्शन करवानी है, फिर उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेनी है, फिर हमारा क्या कहते हैं रिवॉर्ड सिस्टम हमने क्रिएट करने हैं, या हमने डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिनसे हमारे मैनेजर्स अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें, फिर हम उनके लिए बोनस अनाउंस करते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं रिवॉर्ड देते हैं, उनकी सैलरी में इंक्रीज लेके आते हैं। इस किस्म के जो काम होते हैं वो बीओडीज किससे करवाती हैं? अपनी मैनेजमेंट से। उसके बाद जो टॉप प्लेयर्स हैं, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कि सर ये तमाम चीज़ें तो हमें समझ आ गई कि ये जो हायरार्की है कि पहले शेयर होल्डर्स होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करेंगे और फिर मैनेजमेंट उससे बनेगी, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर काम करेगी, तो हमारे टॉप प्लेयर्स कौन से हैं? टॉप प्लेयर्स मीन्स डेट पार्टीज और डेट पर्संस विल बी कंसीडर्ड एज एन अल्टीमेट रनर ऑफ द बिजनेस, यानी ये बिजनेस को चलाने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास नाम किसका आता है? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स में पहली बात किसकी होती है? वोटिंग पावर इनके पास होता है। क्यों? इन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया होता है। कब किया होता है? जब वो ऑथराइज हो जाते हैं रजिस्ट्रार से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद हमने उन शेयर्स को परचेज किया, हर शेयर में एक वोटिंग पावर हमें दे दी गई। जिसके पास 10,000 शेयर है वो 10,000 वोट करेगा, जिसके पास 200 शेयर है वो 200 वोट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है पहला बंदा चेयरमैन, मे बी द एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर एग्जेक्टिव चेयरमैन कौन होता है और नॉन एग्जेक्टिव चेयरमैन कौन होता है? एग्जेक्टिव मीन वो विल एग्जीक्यूट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे हमारी एक मैं बातें कुछ बता देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के माइंड में रहे कि SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। उन्होंने कुछ चीजें आपको बताई हैं कि हम इन रूल्स को फॉलो करते जाएंगे और हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते जाएंगे। अच्छा, वो रूल्स हैं क्या? उन्होंने ये रूल बनाया है कि कंपनी, क्योंकि अगर हम कंपनी के डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर लेते हैं शेयर होल्डर, उसके बाद एक साल तक जब कंपनी अपने ऑपरेशंस कर रही होती है, अगली AGM से पहले, अगली एनुअल जनरल मीटिंग से पहले शेयर होल्डर्स को तो कुछ मालूम नहीं होता कि कंपनी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, कंपनी बेहतर काम कर रही है या नहीं कर रही,
So there should be a person who will overview the activities of the company, जिसे हर मामले का पता हो, और वो ऐसा बंदा हो जिसे खुद इंटरेस्ट ना हो कंपनी के, लेकिन हम उसे पे करें कि तुम कंपनी के अंदर देखो कि कहीं कोई चीज गलत तो नहीं हो रही है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव मैनेजर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, इसमें मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा बंदा जिसकी खुद इंटरेस्ट होगा कंपनी में, वो तो एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब वो चीजों को एग्जीक्यूट करवा रहा है। That person has then supreme authority within an organization in order to run the affairs, internal affairs of an organization. लेकिन non-executive क्या है कि उसने उसका ज़ाती interest इस लिहाज से नहीं है कि वो company के अंदर ज़्यादा काम नहीं कर रहा, वो company की activities को overview कर रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा chairman कौन हो सकता है? अब हम बात करें कि मैं example जो आपको दे रहा हूँ जी, एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज इमरान खान। ठीक है, अब इमरान खान बोर्ड को नहीं चला रहा, बोर्ड को चला रहा है एहसान मानी। ठीक है, जो हमारा चेयरमैन है पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ इमरान खान? इमरान खान की ड्यूटी ये है कि वो तमाम मामला को सिर्फ ओवरव्यू रखे, वो ये ना हो कि उसे कुछ पता ही ना हो कि ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल क्या रहा है। यही एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, यही एक्टिविटी या यही रोल है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, क्योंकि जो चीजों को नहीं चला रहा लेकिन चीजों को देख रहा है। ठीक है, इसी तरह सेम यही की यही फिलोसफी हम अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द प्लेयर नेम डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स में कुछ होते हैं जो आपके क्या कह सकते हैं इंटरनल डायरेक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल डायरेक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल डायरेक्टर्स क्या होते हैं? इंटरनल डायरेक्टर्स तो आपको इटसेल्फ नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जो कंपनी के मामलात को चला रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, कंपनी के कामों को मतलब ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं कि जिनका काम कंपनी के मामलात को एज अ चेयरमैन के फॉर्म में देखना होता है, मतलब चेयरमैन एक्सट्रीम पावर होती है, डायरेक्टर उससे एक लेवल कम होता है, लेकिन इसका काम वही एक्टिविटी होती है कि इसका ये खुद इन्वॉल्व नहीं होता। अब बात होते हैं कि सर व्हाई वी हैव अ नीड टू चेक द एग्जीक्यूटिव, व्हाई वी हैव अ नीड टू अपॉइंट अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड व्हाई वी हैव अ नीड टू अपॉइंट अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सबसे बड़ा फायदा यह है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्योंकि वो काम करेगा, उसे पता है कि जितना मैं कमाऊंगा कंपनी के अंदर तो मुझे इसका फायदा होगा। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ये फायदा होगा कि उसने उसे उसका एक रेम्यूनरेशन मिलेगा और वो शेयर होल्डर्स को आंसरेबल है, ही इज नॉट आंसरेबल टू द मैनेजमेंट। ये डिफरेंस जरा समझे, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए, दैट द चेयर डायरेक्टर मैनेजमेंट सॉरी क्या कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉट आंसरेबल टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ही इज आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को आंसरेबल है कि सर ये जो एक्टिविटी थी कंपनी के ने ये एक्टिविटी करी थी एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एक्टिविटी, और मैंने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस जो है ना वो नोट करवाई थी कि कंपनी फैसला लेने जा रही थी कि हमें फ्लां प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कंपनी फैसला लेने जा रही थी कि हमें ऑरेंज लाइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट आई वॉज अगेंस्ट दैट डिसीजन। आई न्यू कि व्हेन द कंपनी विल स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन एन ऑरेंज लाइन ट्रेन द कंपनी विल नॉट क्रिएट अ प्रॉफिट। ठीक है, अब ये क्या है, ये रिजर्वेशंस है जो कंपनी के डायरेक्टर्स नोट करवा देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें नजर आ रहा है कि ये जो कंपनी डिसीजन लेने जा रही है दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। इन इस किस्म की जो चीजें होती हैं उसमें क्या होता है कि कंपनी अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इस ये पावर देती है कि वो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं अगर उनमें कुछ एक्टिविटीज कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, कंपनी के लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं है या फ्रूटफुल नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर उन एक्टिविटीज को रोका जा सके। अब बात ये आती है कि सर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विल गिव द रिजर्वेशन और विल गो अगेंस्ट द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट, तो क्या हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं? नो, मैनेजमेंट इलेक्ट करती है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर मैनेजमेंट ने एक बंदे को खुद इलेक्ट किया है और उसके बाद वो बंदा आंसरेबल है टू द शेयर होल्डर, और क्यों इलेक्ट किया ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द कंपल्सरी मेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान दैट ऑल द कंपनीज शुड हैव देयर
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी का एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वायर किया, ये उन्होंने की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि अगर कंपनी काम कर रही है तो उसके अंदर एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा। तो सर एक मैनेजमेंट अपने लिए बंदा इलेक्ट कर रही है ताकि वो उनके खिलाफ जा सके, फिर इस कंडीशन में तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैनेजमेंट फारिग कर देगी। तो यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है उसे तकरीबन 3 साल का सिक्योरिटी मिलती है कि ना आपको कोई अपनी आपकी पोजीशन से हटा सकता है और ना आपकी जितनी रेमुनरेशन है, रेमुनरेशन मेन फायदे जितने आपको बेनिफिट कंपनी पे कर रही है, कोई जितने भी है मतलब अलाउंसेस दे रही है किसी मीटिंग को अटेंड करने के, किसी कंपनी के एजीएम को अटेंड करने के, इस तरह के जो जो मामलात होंगे उसे आप जाके हमारे लिए आप कंपनी के अंदर आके उसे अटेंड करेंगे और उसका हम आपको पे करेंगे। तो जब वो मैनेजमेंट ही देखेगी कि ये बंदा हमारे खिलाफ रिजर्वेशन लिखता है तो इस कंडीशन में तो फायर डेट पर्टिकुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कि भाई हम आपके साथ, आप हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आप हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो अब इसका आंसर ये है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन देम द सिक्योरिटी फॉर 3 ईयर्स। उन्होंने कहा आप 3 साल तक आप रिजर्वेशन लिखें या आप कंपनी के फेवर में लिखें, आपको आपकी जॉब से कोई नहीं हटा सकता और आपकी आपकी रेम्यूनरेशन आपको लाजमी मिलते रहेंगे। तो डेट प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू गिव द राइट और टू सजेस्ट द राइट थिंग। ठीक है, एट दैट टाइम दे विल नॉट बी इन अ सिचुएशन दैट इफ आई राइट सर्टेन रेजर्वेशन अगेंस्ट द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट विल फायर मी। नो, मैनेजमेंट कैन नॉट फायर अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है सीईओ की। अब यहाँ पे आपने अक्सर कंपनी में देखा होगा कि सर द चेयरमैन इटसेल्फ इज अ सीईओ, तो वो पॉसिबिलिटी है, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी अपना चेयरमैन अलहदा सेलेक्ट करे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलहदा सेलेक्ट करे। तो एक बंदा दोनों पोजिशन को भी इंजॉय कर सकता है और एक बंदा अलहदा अलहदा भी रह सकते हैं, उसके लिए अब इसकी टेंशन नहीं है कि जी एक बंदा दोनों काम कर सकते। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी सेम काम ये करना होता है कि वो एज अ डायरेक्टर भी काम कर सकता है, मतलब काम मामला को चला भी सकता है या नहीं भी चला सकता। कम इसने कंपनी को इंटरनल अफेयर्स को ही चलाना होता है, सेम लाइक चेयरमैन सेम लाइक डायरेक्टर। ठीक है, सीनियर मैनेजर्स कौन से होते हैं? सीनियर मैनेजर में वो तमाम मैनेजर जो के पूरे एक यूनिट को रन कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले एग्जाम्पल दी थी कि प्रोडक्शन मैनेजर, एडवर्टीजमेंट मैनेजर, अच्छा एचआर मैनेजर, ठीक है मार्केटिंग मैनेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये तमाम जो मैनेजर्स होते हैं ये भी सुप्रीम अथॉरिटीज होती हैं और अपने जिस जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे होते हैं वहाँ पे ये अपनी एक्टिविटीज को फ्रूटफुली परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इनका रोल ये क्या होता है कि ये इनकी जो जो इनकी जो डेजिग्नेशन होती है वो अपर लेवल की होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे टॉप प्लेयर्स पूरे हो गए। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, हाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द शेयर होल्डर। फर्स्ट वन इज द ऑनर कंपनी का स्टेक होल्डर, सॉरी मैं स्टेक होल्डर कौन होते हैं? द पर्सन विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। जो बात जिस एग्जाम्पल से आपको स्टेक होल्डर आपको हमेशा याद रहेगा वो एग्जाम्पल आपके लिए क्या है कि एक सड़क पे चलता हुआ आदमी, अ जनरल पब्लिक, एक नॉर्मल पर्सन ही पाकर फर्टिलाइजर का स्टेक होल्डर है। उसमें एग्जाम्पल आप कहेंगे कि सर वो कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकर फर्टिलाइजर का जो धुआं या जो उसके अंदर जो डस्ट होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करती है उसकी वजह से वो नॉर्मल पर्सन इफेक्ट होता है। डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। तो वो बंदा उस कंपनी का स्टेक होल्डर बन, द पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी इज नेम्ड एज अ स्टेक होल्डर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर में ओनर आ गया। ठीक है, ओनर हमारे लिए कौन है? शेयर होल्डर है। सीईओ हमारा ओनर नहीं है, चेयरमैन हमारा ओनर नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे ओनर नहीं है, मैनेजर्स हमारे ओनर नहीं है। हमारे लिए ओनर वही लोग हैं जो कि कंपनी के मैनेजमेंट को चला रहे हैं। फिर लेंडर्स स्टेक होल्डर्स हैं। लेंडर्स कौन से हैं? बैंक्स, मोस्टली बैंक्स, जो कि कंपनी को पैसा देते हैं एज अ डेट के वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। फिर इम्प्लॉयज, ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे क्या हो गए? इम्प्लॉयज हो गए। फिर बिजनेस एसोसिएट्स,
वो कौन होते हैं कि जिनसे हम अपना आम माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, हमने कोई भी चीज़ बनानी है, बेवरेजेस कंपनी, जिसमें हमें पेप्सी और कोक की एग्जांपल ले लें कि बेवरेजेस के अंदर इन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, इन्हें मोस्टली केमिकल्स चाहिए होते हैं, इन्हें शुगर चाहिए होता है, इन्हें डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, वो तमाम चीज़ें किसी से परचेज करते हैं. तो जिससे वो परचेज करते हैं वो सप्लायर है, ठीक है. फिर एंड डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एक और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, कस्टमर लिखा हुआ है, आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं कि वो तमाम कंपनीज के जो कि हमारे उन फिनिश प्रोडक्ट्स को या रॉ मटेरियल को हमारी कंपनी से लेकर मार्केट तक प्रोवाइड करेंगी या सप्लाई करेंगे, दे विल बी द कस्टमर्स और दे विल बी द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड हूएवर विल परचेज दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट विल बी नेम्ड एज कस्टमर. फिर आते हैं सोसाइटी में इंक्लूड्स गवर्नमेंट. हम क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि परफॉर्मिंग और रनिंग एन अल्कोहलिक बिजनेस इन पाकिस्तान इज नॉट अ बिजनेस, ठीक है. मैं दोबारा बोलता हूँ, अ लीगल एंटिटी, अ लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस. एक एग्जाम्पल दी है बिजनेस की, लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट. अब बात यह है कि सर, इफ आई स्टार्ट अल्कोहलिक बिजनेस, शराब का कारोबार शुरू करूंगा, तो विल दैट बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस? डेफिनेटली नो. क्यों? क्योंकि अल्कोहल इज नॉट अलाउड, इज लीगली अलाउड इन पाकिस्तान, इज नॉट लीगली अलाउड इन पाकिस्तान. अगर आप वो बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपको लग रहा है आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी बॉडीज बनाई हुई हैं, उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जो अलाउ करती हैं कि जी ये बिजनेस चल सकता है, इस चीज़ को बिजनेस कहते हैं, वरना ये बिजनेस नहीं है. अब सेम अल्कोहलिक बिजनेस विच इज इन कंसीडर्ड एज बिजनेस इन पाकिस्तान इज अ बिजनेस इन इंग्लैंड. वो बिजनेस जो पाकिस्तान में, जिसे हम बिजनेस ही कंसिडर नहीं कर रहे, वो इंग्लैंड में बिजनेस है. क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ किया हुआ है, उनके अंदर लॉ में इजाजत है कि यू मे सेल द अल्कोहल इन दिस टेरिटरी इन दिस एरिया, ठीक है, वो सेल करते हैं, तो उनके लिए वो क्या है, वो बिजनेस है, ठीक है. तो अब सोसाइटी में जनरल पब्लिक भी आ गया, जैसे मैंने आपको पाकरब की एग्जांपल दिया, तो सोसाइटी में गवर्नमेंट आ गया, सोसाइटी में हमारे कंपेटिटर्स आ गए, हम यानी पेप्सी के लिए कंपेटिटर कोक बन गया, कोक के लिए कंपेटिटर पेप्सी बन गया, तो कंपेटिटर्स भी आ जाते हैं. कोई अगर हम ये जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज की बात करें तो जोंग है, मूबलिंक है, वारिद है, जैस है, टेलीनॉर है, ये क्या है, कंपेटिटर्स हैं. फिर जनरल पब्लिक, कस्टमर, ये तमाम वो पार्टीज हैं जो कि स्टेक होल्डर हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज. अपॉर्चुनिटीज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अब बात यह है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने करना क्या है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने सीधे अल्फाज में कहा जाए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने अपने उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं, कंपनी के लेंडर्स को भी, क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कौन सी है, डेट एंड इक्विटी. कर्ज लेके पैसा लगाएंगे या अपनी इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लगाएंगे, दोनों ने पैसा लगाया है उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने. क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं सर, उनका इंटरेस्ट है क्या? जो डेट होल्डर्स है उनका क्या इंटरेस्ट है? उनका इंटरेस्ट है प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट. उनके लिए प्रॉफिट क्या है? इंटरेस्ट, जिसे हम आसान अल्फाज में या उर्दू में हम सूद कहते हैं, ठीक है. जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या इंटरेस्ट है? उनका इंटरेस्ट डिविडेंड है, कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करे, उस प्रॉफिट से हमें डिविडेंड दें. तो ये अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट में क्या आएगा, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज हैव द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. ये जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट हैव टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज इन अ विजिलेंट वे, उन्हें अपने काम बेहतर अंदाज से करना चाहिए. अगर हम बात करें कि सर इसकी कोई एग्जाम्पल दे दें हमें कि हाउ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इज प्रोटेक्टेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द टेलीनॉर कंपनी. तो अब टेलीनॉर कंपनी में जो आपका कस्टमर केयर सेंटर में बंदा बैठा है ना, वो एम्प्लॉय है, वो हर लिहाज से आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पूरा बिजनेस चल रहा है किसके पैसों पे, शेयर होल्डर्स के पैसों पे, और उनका इंटरेस्ट है, या जो लेंडर्स हैं उनके पैसों पे कंपनी चल रही है. तो ऐसी सूरत में
जो आपके मैनेजर्स हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, जो लो लेवल मैनेजर्स हैं, जो मीडियम लेवल मैनेजर्स हैं, जो या इम्प्लॉयज हैं। अब मैनेजर्स और इम्प्लॉयज में फर्क नहीं है, मैनेजर भी कंपनी का इम्प्लॉय ही होता है, मैनेजर भी कंपनी में अपने लिए नौकरी ही कर रहा होता है, इज वर्किंग इन ऑर्डर टू गेट सर्टन रेमुनरेशन, सर्टन सैलरी, सर्टन बोनस, सर्टन बेनिफिट्स, ठीक है, तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, suppliers and clients essentially go by each transaction or contracts. अच्छा, suppliers and clients, अब बात ये है कि supplier जो आपका कंपनी का है वो उसका क्या इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, उसका ये इंटरेस्ट है कि मैं अच्छा मटीरियल प्रोवाइड करूँ ताकि कंपनी इन फ्यूचर मुझसे ये चीजें परचेज करे। और जो अगर हम बात करें सर इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अंग है, तो आपको पता है ए सप्लायर 1000 की चीज दे रहा है, बी सप्लायर हमें 500 की चीज दे रहा है, क्वालिटी वाइज बहुत ठीक दर सेम, तो आप डेफिनेटली बी से परचेज करोगे। ठीक है, आपका ये रूल है ना कि मतलब हमने जो हमारा प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, प्रिक्योरमेंट को अगर हम सिनोनिम्स यूज करें तो प्रिक्योरमेंट इज बेसिकली या सिनोनिम ऑफ द परचेज, परचेज डिपार्टमेंट का काम किया कि आपके बिहाफ पे चीजें परचेज करना। ठीक है, सप्लायर एंड क्लाइंट इसेंशियली गो बाय ईच ट्रांजेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट, वो एक हर ट्रांजेक्शन में एक दूसरे के साथ चलते हैं, और क्या किस लिहाज के साथ चलते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें चीज सस्ती मिल जाए, हमें चीज अच्छी चीज मिल जाए, हम कम पैसे में ज्यादा काम क्रिएट कर लें, तो ये कुछ इससे हमें क्या होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद लेंडर्स एंड शेयर होल्डर्स आर मोस्ट वल्नरेबल। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो होता ही इन्हीं दोनों पार्टीज का, यानी उन्हें पता होता है कि कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं दे शुड बी विजिलेंट, दे शुड हैव द स्किल्स टू कंडक्ट द एक्टिविटीज, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो कंपनी के मामला को अच्छी तरह चला सकें, कंपनी के लिए हमारे लिए फायदा क्रिएट कर सकें इन फ्यूचर, ताकि हम कंपनी से कुछ बेनिफिट क्रिएट कर सकें। हम कंपनी से लेंडर कहेंगे कि हमें कंपनी से इंटरेस्ट मिल सके, शेयर होल्डर्स कहेंगे कि हमें कंपनी से डिविडेंड मिल सके, ये हमारी कंपनी की वर्थ ज्यादा हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि सर ये सारी बात आपने हमें समझा दी उन पार्टीज की जिसका वाकई कोई ना कोई डायरेक्टली लिंक था कंपनी के साथ, तो सोसाइटी में अभी आपने गवर्नमेंट की बात की है, आपने वो क्या कहते हैं कस्टमर्स की बात की है, आपने बात की है जनरल पब्लिक की, हाउ वी विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बात तो है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट यही है कि कंपनी के अंदर जीडीपी बढ़े। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी जब प्रोडक्शन अच्छी होगी तो कंपनी मुल्क के अंदर एक पैदावार बढ़ेगी। ठीक है, ये उनका इंटरेस्ट है, वो कहते हैं कि कंपनी लॉ के हिसाब से काम करे, कंपनी टैक्सेस पे करे, कंपनी गवर्नमेंट के खजाने में वो टैक्सेस हैं। जनरल पब्लिक क्या चाहती है, जनरल पब्लिक चाहती है कि जी सर यहाँ से फैक्ट्री खत्म हो जाए, कहीं ऐसी जगह पे चली जाए कि जहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, तो इसी वजह से अक्सर फैक्ट्रीज को सील कर दिया जाता है। वहां पे किसका इंटरेस्ट होता है, आपकी जनरल पब्लिक का, उन्हें पता होता है। अभी अगर आप लोगों को दो तीन और एग्जाम्पल पाकर के अलावा देखनी है, तो आप यहाँ पे गल्ला मंडी चले जाएं जहाँ पे पूरे मुल्तान की चीजें बिक्री होती है, वहाँ पे बेतहाशा फैक्ट्रीज हैं, ये कोई चीनी की है, कोई गत्ते की फैक्ट्री है, इस तरह की बहुत सारी 3-4 फैक्ट्री बनी हुई है, और वो ज्यादा फैक्ट्रीज आजकल बंद कर दी गई है। क्यों, क्योंकि वहाँ उस लोकेशन में, उस लोकेलिटी में इतने जो है ना हाउस होल्ड बढ़ गए हैं, और उनके लिए वो एज अ पॉइजनस गैस काम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए वो पॉइजन है वो फैक्ट्री, इसकी वजह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि कंपनी यहाँ पे ज्यादा देर तक काम करे। ठीक है, सोसाइटी के डिपेंड्स इंटायरली ऑन लॉ, कहते हैं लॉ के हिसाब से चीजें चलें। हमारे लॉ में ये बात लिखी हुई है कि यू कैन नॉट रन योर कंपनी इन अ लोकेलिटी इन विच देयर विल बी टू मच हाउस होल्ड। ठीक है, या जो जो है ना विस्टिंग, या जो क्या कहते हैं विस्टिंग, क्या कह रहे हैं, यहाँ पे घर घर ज्यादा हो ना जिस लोकेलिटी में, वहां पे आप कंपनी कोई भी इस किस्म की कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग को एस्टेब्लिश नहीं कर सकती। ठीक हो गया, उसके बाद हमारी यही जो हमने सारी डिस्कशन की है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स के ऊपर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। हमारे पास जो मेजर, यानी जिनके पास कह सकते हैं दोज विद फुल अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा फायदा ओनरशिप में कौन लेता है, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, हमने बात क्या की थी, वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, प्रेफर्ड शेयर होल्डर एंड कॉमन शेयर होल्डर। कॉमन शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं, जो कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग करते हैं। अच्छा, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिनका कंपनी में डिसीजन पावर तो कुछ नहीं होती, कंट्रोलिंग पावर तो उनके पास कुछ नहीं होती, बट दे आर द
ऑनर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो वो प्रेफर्ड शेयर होल्डर है, उन्हें सबसे पहले प्रॉफिट भी दे दिया जाता है, ठीक है। दोज विद अ पार्शियल अपॉर्चुनिटी, पार्शियल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि जिनके पास फुल अपॉर्चुनिटी ना हो उस कंपनी से फायदा उठाने की, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट और कुछ परसेंटेज ऑफ द बेनिफिट वो भी हासिल कर सके। इसमें हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। जब मैंने कल वाली क्लास में दो बातें की थी, पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कम हैं। कंपनीज कम इन्वेस्ट करती हैं दूसरी कंपनी में, लेकिन जो आम जनरल पब्लिक है वो ज्यादा इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑनरशिप के लिहाज से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पार्शली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दोस विद वर्चुअली नो अपॉर्चुनिटी, वो कौन से ऐसे होते हैं, वो माइनॉरिटी एंड इंडिविजुअल शेयर होल्डर विद नो बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे शेयर होल्डर जैसे कि मैं हूँ, मैंने ना कभी शेयर को किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट किया है, ना मैंने किसी AGM को अटेंड किया है। जिस जिस कंपनी के शेयर्स को मैंने परचेज कर रखा है वो तमाम के तमाम कंपनीज में मेरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ वाइज अपॉर्चुनिटी जो ये मिलती है कि ना कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाए तो पता चलता है कि कल आपने जो शेयर 100 रुपए का लिया था, आज वही शेयर 105 रुपए का, तो मैं वही सेल कर देता हूँ, चलो 5 रुपए पर शेयर कमा लूँ, ठीक है। ये बस मेन एक्टिविटी है या ये मेन फायदा है जो मैं कंपनी से हासिल करता हूँ। तो लेंडर्स कौन से होते हैं, फुल अपॉर्चुनिटी वाले लेंडर्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ज्यादातर पाकिस्तान में, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तान में बैंक ज्यादा लोन देते हैं, वो इंस्टीट्यूशन है, वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कंपनी को मिलियंस में लोन देते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर बायर्स ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स विद ट्रस्टी अरेंजमेंट, अब ये होते हैं पार्शियल अपॉर्चुनिटी। अब पाकिस्तान के लिहाज से बात किया जाए तो सर बॉन्ड्स अगर ये डेट है तो हम तो बॉन्ड्स प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं, तो वो तमाम बायर्स जिनका कोई जो इंटरेस्ट पर्पस के लिए नहीं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़े से फायदे के लिए, वो तमाम के तमाम लोग आपके लेंडर्स बनते हैं। और उनकी पार्शियल अपॉर्चुनिटी मतलब पार्शियल अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि उन्हें प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन उनका क्या कहते हैं आप कह सकते हैं कि उन्हें जो प्राइस मिलेगा या जो जिस पर्पस के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको वो लेंगे, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट की बेनिफिट नहीं मिलता। अब जरूरी नहीं है कि तमाम बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, ऐसे बॉन्ड भी हैं कि जिसमें आपको प्राइस का भी चांसेस होते हैं और साथ इंटरेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। और फिर नो अपॉर्चुनिटी में फिर और किस्म के लेंडर्स आ जाते हैं जो कि आपको बगैर, जैसे कोई आपका जानने वाला मिल गया, उसने कहा कि जी सर आपको पैसे चाहिए, ठीक है ये पैसे ले लें, उन्होंने कहा कि ना मुझे आप इंटरेस्ट दीजिएगा ना मुझे आप इस पे प्राइस दीजिएगा, तो ऐसे लेंडर्स भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाते हैं। अब आपको कि सर के कॉर्पोरेट लेवल पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो हाँ हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे WHO का नाम लें तो WHO ने पैसे दिए हैं, वो लेंडर्स भी हैं, वो उन्होंने उधार आपको दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप वापस कर देना, वापस आप ना भी करो तो वो शायद कभी कुछ ना मांगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपको किसी खास पर्पज के लिए पैसे दिए, ठीक है। एम्प्लॉयज क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी फुल होती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन में। पार्शियल अपॉर्चुनिटी में सीनियर मैनेजर्स आते हैं, और जो नो अपॉर्चुनिटी होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीम होती है, अदर एम्प्लॉयज ऑन रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बात जिसकी बताई वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बताई है, ठीक हो गया। फिर बिजनेस एसोसिएट में देखा जाए तो हमारी सप्लायर्स होती है जिनके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है कि अपना माल कंपनी को बेचे और उससे प्रॉफिट कमाया जाए, जबकि पार्शियल अपॉर्चुनिटी ऐसे सप्लायर्स की होती है जो कि क्लाइंट्स होते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी खास पर्पज के लिए वो हमारे लिए काम करते हैं, उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट हमसे खत्म हो जाता है। अब इसमें एग्जांपल आपको दूं कि जी हमने किसी खास ऑर्गेनाइजेशन से बात की कि सर आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड, और मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और मेरे पास अभी रोड रोलर्स नहीं है, तो मुझे रोड रोलर्स ला कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाएगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 5 साल के लिए उनके रोड रोलर्स मेरे लिए काम करेंगे। तो ये क्या है, ये आपके सप्लायर्स हैं जिन्हों आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रोड रोलर इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रोड, बट एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड, ठीक हो गया। उसके बाद है वर्चुअली नो अपॉर्चुनिटी, देयर विल बी ऐसे नो स्मॉलर सप्लायर्स होते हैं, ये होते हैं कि छोटे लेवल पे होते हैं, इनकी कोई ज्यादा काम नहीं होता, इनका ये सबसे बड़ा मेन पर्पज होता है कि बस हमारा माल बिक जाए, इसका कोई ज्यादा इन्हें शौक नहीं होता, मतलब शौक नहीं कहना चाहिए, दे आर जस्ट विलिंग की कंपनी हमसे माल परचेज कर लेगी जितना, ठीक है। सोसाइटी में फिर जो है ना फुल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादातर कोई नहीं ले सकता, गवर्नमेंट इसमें पार्शियल अपॉर्चुनिटी लेती है ताकि कंपनी से इंटरेस्ट हासिल कर सके या कंपनी से क्या कर सके, क्या कर सकते हैं उसे
कंपनी लोन दे दे उन्हें, ये कंपनी उसके अंदर क्या कर सके, लोन में कह रहा हूँ सॉरी, टैक्सेस दे दे जिससे गवर्नमेंट के खजाने में पैसा आ जाए, और जो नो अपॉर्चुनिटी वो पब्लिक है हमारी जिसका जो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू वो सोसाइटी में, ठीक है, नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब यहाँ पे मैं आपको फिर वही वाली बात करूंगा, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज इट, देयर इज नो नीड फॉर क्रैमिंग, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप दो तीन बार पढ़ लें, चार पांच पॉइंट्स आपके जहन में रह जाएंगे, वो पॉइंट्स आपने आपको पता चल गया है कि सर शेयर होल्डर ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सिलेक्ट करने, गवर्नेंस मीन्स द पिलर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इंटरनल अफेयर्स को चलाना है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट एंड सर्व इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ ईच स्टेक होल्डर, तमाम स्टेक होल्डर का जो जो इंटरेस्ट है उसे सर्व करने के लिए। आप इसमें कहेंगे सर वो आप तो कह रहे थे कि जनरल पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है मामला में, तो क्योंकि हम लॉ के अंडर काम कर रहे हैं तो किसी की जरूरत नहीं है कि जो ऐसा इलाका जहाँ पे तमाम की तमाम आबादी रहती है, पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा है, वहाँ पे आके वो कोई पॉइजनस गैस वाली केमिकल बनाने लगते हैं, उन्हें इजाजत नहीं है, क्यों, क्योंकि पता है कि ये जो लोकेलिटी है, जनरल पब्लिक है, इनका इंटरेस्ट ये है कि दे नीड अ हेल्दी इन्वायरमेंट, दे नीड अ हेल्दी एटमोसफियर, इनकी जो एयर हो वो पोल्यूटेड ना हो, तो उनका इंटरेस्ट या उनका जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट यही है कि इन्हें पॉल्यूटेड एयर से बचाया जा सके, तो उसके वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड सर्व द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, हर का भी करे, तमाम का एक साथ भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी हो गई, टू इंश्योर नो वन बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, यानी ये ना हो कि हम प्रॉफिट तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सर प्रॉफिट तब भी बढ़ेगा कि तब जब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसी इलाके में अगर फैक्ट्री खोल लें जहाँ पे आबादी हो, मेरी बात दोबारा सुने, प्रॉफिट उसी सूरत में बढ़ेगा अगर हम इसी इलाके में फैक्ट्री खोल लें, यहाँ पे करीब करीब हमें सप्लायर भी मिल जाएंगे, करीब करीब हमें कस्टमर भी मिल जाएंगे, तो आपने शेयर होल्डर्स का तो इंटरेस्ट देखा कि उनका प्रॉफिट बढ़ा दिया, आपने लैंडर्स का तो इंटरेस्ट देखा कि उन्हें आप ठीक ठाक प्रॉफिट पे इंटरेस्ट देंगे, लेकिन यहाँ पे आपने जनरल पब्लिक को इग्नोर किया, तो ऐसा ना हो कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी दूसरे को नुकसान हो, तो ये भी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उन्हें एक 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 बीच का रास्ता कोई निकाले जिससे बोथ द पार्टीज कैन गेट सर्टेन बेनिफिट्स। उसके बाद है टू इंश्योर नो स्टेक होल्डर हैज मोनोपोली ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई ऐसी पार्टी, जैसे कि क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 20% अगर एक पार्टी ले ले या पर 80% वोट से एक ही बंदा परचेज कर ले, शेयर्स परचेज कर ले, तो फिर तो उसके बाद मोनोपोली तकरीबन आ गई, वो तमाम मामला को अपने हिसाब से चला सकता है बिकॉज ही हैज अ वोटिंग पावर ऑफ ग्रेटर देन 51%। तो इस सिचुएशन में क्या है कि रूल्स डिसाइड हो गए कि नो पर्सन कैन परचेज मोर देन 20% शेयर, ठीक है, तो मोनोपोली से बचाना भी एक इनकी जिम्मेदारी। Governance and the management. अब यहाँ पे question आते हैं कि सर how we will differentiate between governance and management. तो management means to manage the thing. And who will manage the thing that will be decided by the governance. Management means how to manage the thing and governance means who will manage the thing. यानी गवर्नेंस वो पिलर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट को डिसाइड करने और फिर उन्होंने वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी। डज गवर्नेंस इंक्लूड मैनेजमेंट और डज मैनेजमेंट इंक्लूड गवर्नेंस, टू इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर हम एक रूल डिसाइड कर लें देयर इज अ रिजिडिटी इन दैट रूल, रिजिडिटी या फिक्स्ड रूल्स डिसाइड हो गए एंड सर इट कैन नॉट बी चेंज, नो इट कैन बी चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिबिलिटी, on the basis of flexibility required for the organization, तो आप चेंज कर सकते हैं, तो मोस्टली जो होता है वो गवर्नेंस के अंदर ही मैनेजमेंट काम कर रही होती है, लेकिन ये कोई 2+2=4 वाला रूल नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, ये डिबेटेबल टॉपिक है, अगर इस पर बात किया जाए कि यू हैव टू गिव द यू हैव टू इलेबोरेट और यू हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ गवर्नेंस इंक्लूड मैनेजमेंट, तो तब भी उसके ऊपर लाखों बातें हो सकती हैं, और अगर आप कह दिया जाए कि डज मैनेजमेंट इंक्लूड गवर्नेंस तब उस पर भी लाखों बातें हो सकती हैं, ये डिबेटेबल टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपने खुद बात करनी है कि सर मुझे तो लगता है कि मैनेजमेंट ही नहीं गवर्नेंस को चुनना है, क्योंकि हमने अक्सर एग्जांपल्स ऐसी भी देखी हैं कि मैनेजमेंट में ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो चेयरमैन को फारिग कर देते हैं कि नहीं ये चेयरमैन हमारा काम करिए, वो उसके खिलाफ स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो ये भी होता है, और जब हमने ये भी देखा है कि चेयरमैन ही ऑल इन ऑल होता है जिसमें हमने ब्यूरोक्रेटिक रूल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक
रूल ऑफ डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैनेजमेंट में हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में ये 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 टॉपिक था कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी हम दिखाए थे कि एक बंदा सारी चीजों का डिसीजन मेकिंग करता है, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन क्या क्या करना होता है, मतलब मेन फंक्शन दोनों के अंडर सेम आते हैं, प्लानिंग भी होती है, लीडिंग भी होती है, ऑर्गेनाइजिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है। तो पहला जो फंक्शन परफॉर्म करता है गवर्नेंस, अप्रूवल ऑफ प्लान। मैनेजमेंट क्या होता है, उन प्रिपरेशन ऑफ प्लान। मैनेजमेंट अपने प्लान गवर्नेंस को पेश करती है कि सर हमने ये एजेंडा करना है, या हमारे ये सजेशन है, ये प्रपोजल है कि इस जगह इन्वेस्ट करें, और गवर्नेंस आपको क्या करती है, अप्रूवल दे देती है, ठीक है। लीडिंग दोज हु इम्प्लीमेंट प्लान, और प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप। गवर्नेंस ओवरऑल लीडरशिप दे रही होती है, लेकिन जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट प्लान करना है, यानी जिन एम्प्लॉयज ने आपके लिए काम करना है, उन्हें लीड कर रही होती है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को इटसेल्फ लीड कर रहा होता है गवर्नेंस, ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, टास्क अरेंजिंग रिसोर्सेज। आप मैनेजमेंट आपके पास आएगी कि सर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हमें 5 मिलियन और चाहिए। तो गवर्नेंस का काम क्या है कि अप्रूवल दे दे कि जी यू मे टेक द लोन फ्रॉम HBL दैट द कंपनी इज इन नीड ऑफ 5 मिलियन लोन। तो गवर्नेंस ने उसकी अप्रूवल कर देनी है और उसे अरेंज करके मैनेजमेंट के हाथ में दे देना कि बेटा दिस इज सम फंड यू वर रिक्वायरिंग, ये मैंने आपको फंड्स अरेंज करके दे दिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग मैनेजर्स एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज, यहाँ पे अब हमें इस यहीं से ही हमें पता चल रहा है कि मैनेजमेंट इज ओवरऑल वर्किंग अंडर द गवर्नेंस। तो वो कंट्रोल कर रही है मैनेजर्स को, जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है एम्प्लॉयज को, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर एंड फॉर द इंट्रोडक्टरी वीक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, योर क्वेश्चन आर वेलकम 24/7 ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, एंड यू विल बी answered as soon as possible, or as soon as I'll read or hear your question. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.